तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लीजिए, इस वीडियो को अपलोड किए हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 26 मिनट हुआ है और 26 मिनट में यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4000 प्लस जो है वो यहाँ पे व्यूज आ चुकी है। ठीक है, अब इसी वीडियो का आपको एनालिटिक्स खुल के दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे यहाँ पे रिफ्रेश मारे वैसे वैसे मेरा जो व्यूज है वो अनलिमिटेड यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं गाइस, और इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि गाइस आपका भी वैसा ही वीडियो पर जाने वाला है जैसे अभी इस चैनल पे व्यू जा रहा है। ठीक है, बस उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपका जो शॉर्ट्स है वायरल होगा। और उससे पहले गाइस इसी चैनल के मैं आपको यहां पे रियल टाइम व्यूज भी दिखा रहा हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे रियल टाइम व्यूज कितना आ रहा है, सभी का सभी आपके आंख के सामने है। और गाइस ये कोई पॉसिबल ऐसे ही नहीं हो पाया है, कुछ ट्रिक लगाकर कुछ दिमाग लगाकर आया है। नहीं तो गाइस अगर आप रैंडम ऐसे वीडियो को अपलोड कर दोगे, शॉर्ट्स को अपलोड कर दोगे, तो गाइस आपका वहां पे 10-20-30 यहां पे व्यू जाके रुक जाएगा। लेकिन गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि गाइस अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो गाइस आपका वीडियो जो है, आपका शॉर्ट जो है वो 10-15-20 यहां पे 1000-2000 जाके नहीं रुकेगी गाइस, वो मिलियन में ही जाके ठेकेगी, लाख में ही जाएगी डायरेक्ट, जो अभी ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो भाई आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो गाइस जिस ट्रिक की अभी हम बात करने जा रहे हैं वो ट्रिक को मैंने गाइस अभी तक किसी भी वीडियो में रिवील नहीं किया था और बताया नहीं था, और यहां पे इसके पीछे भी रीजन था नहीं बताने का, क्योंकि गाइस वो जो फीचर था सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप मोड में ही रहता था। ठीक है, और गाइस जिसके पास भी लैपटॉप और डेस्कटॉप रहता था गाइस वो अपने शॉर्ट्स को 100% कैसे भी करके वायरल कर ही ले रहे थे, क्योंकि गाइस उनके पास वो फीचर था जिससे शॉर्ट्स बहुत ही जल्दी से स्पीड में वायरल हो रही थी। लेकिन गाइस वो फीचर जो है फाइनली यूट्यूब ने ऐड कर चुका है YT स्टूडियो में, इसलिए आपको वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। और ध्यान से समझना, ध्यान से सुनने का कोशिश भी करना, और ध्यान से समझना भी, तभी आपका शॉर्ट्स वायरल होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा आज फीचर बताने वाला हूं YouTube शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको फाइनली वीडियो को अपलोड करना है, क्योंकि गाइस वीडियो को अपलोड करते समय ही वो फीचर वहां पे ऐड हुआ है, और ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का कोशिश भी करना। तो गाइस उसके लिए फाइनली मैं यहां पे एक वीडियो को ले रहा हूं, जिससे जिसको यहां पे आपको यहां पे अपलोड अब वीडियो से आपको अपलोड करना है, कोई भी शॉर्ट्स हो अपलोड अब वीडियो से ही अपलोड करना है, तभी जाके आपका जो शॉर्ट्स है वायरल होगा। ठीक है, तो गाइस यहां पे मैंने यहां पे सिंपल से एक वीडियो को ले रहा हूं गाइस, और यहां पे ध्यान से समझना, मैंने यहां पे इस वीडियो को ले लिया हूं गाइस, और इसी वीडियो को मैंने अपलोड करके वायरल भी किया था एक वीडियो में, पिछले वीडियो में। लेकिन गाइस वही वीडियो को मैंने फिर ले रहा हूं, क्योंकि गाइस उस फीचर को यहां पे दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे इस वीडियो को ले रहा हूं। मुझे इस वीडियो को वायरल करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इस फीचर को दिखाने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो गाइस उसके लिए आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझने का कोशिश भी करना है, क्योंकि गाइस अगर आप यहां पे मिस कर दोगे तो भाई यहां पे फिर मेरा यहां पे गलती नहीं रहेगा, आपका गलती रहेगा, क्योंकि मैं सभी चीज को बहुत बारीकी से बता रहा हूं और बारीकी से समझाने का भी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो गाइस उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहां पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस का आपको फिर से यहां पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पे जो भी टाइटल रखना है वो आप यहां पे टाइटल रख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहां पे कुछ भी टाइटल मैंने लिख दे रहा हूं, क्योंकि टाइटल लिखेंगे तभी जाके यहां पे मेरा काम बनेगा। तो गाइस जल्दी से मैं यहां पे इस वीडियो का टाइटल लिख दे रहा हूं, ताकि गाइस ये वीडियो अपलोड हो सके और उस फीचर को मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो गाइस उसके लिए मैं फाइनली स्पीड में आपको इसको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, तो गाइस इसके लिए मैं जल्दी से इसको लिख देता हूं, भोलेनाथ स्टेटस लिख दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे मुझे इस वीडियो को वायरल करने का कोई मकसद नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, उस फीचर को दिखाना चाह रहा हूँ जो जिस फीचर से कोई भी शॉर्ट्स वायरल होती है। ठीक है, तो गाइस उसके लिए ध्यान से देखना, और वो गाइस आपको लैपटॉप में ही अवेलेबल था फीचर, अब लेकिन गाइस यहाँ पे अब आ गया है, यानी कि YT स्टूडियो में भी आ चुकी है, जिससे आप बहुत ही इजिली से अपने शॉर्ट्स को वायरल कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने फाइनली यहाँ पे लिख दिया हूँ गाइस, और फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे हैश लगाकर आपको शॉर्ट्स लिखना है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी भी शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए, और अगर आप इतना नहीं लिखते हो तो गाइस आपका शॉर्ट जो है वायरल नहीं होगी, क्योंकि गाइस शॉर्ट फीड में इसी से जा रही है। ठीक है, इतना लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको छोड़ देना है। ठीक है, और छोड़ने के बाद गाइस आपको अब यहाँ पे मेन काम को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ तक गाइस बहुत इजीली से आप कर चुके होंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है, क्योंकि गाइस वीडियो को अपलोड नहीं करना है, अगर आप वीडियो को अपलोड कर दोगे तो गाइस ये फीचर का यूज नहीं कर पाओगे, जिससे आपका फिर से शॉर्ट्स वायरल नहीं होगी। इसलिए गाइस इस फीचर को यूज करने के लिए आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, तभी आप जाके अपने फीचर को यूज कर पाओगे और अपने शॉर्ट्स को वायरल कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते
सकते हैं एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे आपको सिंपल से क्लिक करना है गाइस, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पूरा लाइव देख सकते हो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्या है थंबनेल टाइप का लगाने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख गाइस देख सकते हैं कि आपको जो भी थंबनेल यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है, यानी कि जो स्टेप आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उसी स्टेप को यहाँ पे आपको रखना है। इससे क्या होगा कि आपके वीडियो पर जो क्लिक है लोग बहुत ज्यादा करेंगे। यहाँ पर पहले क्या होता था गाइस कि जो भी आप वीडियो को शॉर्ट्स को अपलोड करते थे वो बाय डिफॉल्ट YouTube खुद आपके थंबनेल को वहां पे सेट कर दे रहा था और लोगों के पास दिखा दे रहा था। लेकिन गाइस इस फीचर के बाद, इस अपडेट के बाद गाइस अब आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग और यहाँ पे मेन पार्ट के अकॉर्डिंग गाइस आप अपना थंबनेल शॉर्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जिस थंबनेल को रखेंगे गाइस लोगों को वही दिखेगा और इस पे लोग ज्यादा क्लिक करेंगे, जिससे आपका शॉर्ट जो है वायरल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा कि लोग आपके शॉर्ट्स पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे तो गाइस आपका शॉर्ट्स जो है वायरल 100% होगी गाइस। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मेन फीचर को ऐड कर दिया है शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह का फीचर में और YouTube से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाना। थैंक यू दोस्त।